हे गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग? और आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है यार। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। गाइस, इसके वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस तरह का एक ट्रेंडिंग शानदार एक कैसे स्टोरी एडिट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पर। गाइस, अगर किसी का बर्थडे या फिर न्यू पोस्ट रहेगा तो भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी का आपके रिलेटिव फ्रेंड्स या फिर आपके किसी का भी बर्थडे रहेगा ना, वो बर्थडे का स्टोरी आप एकदम अच्छे से एकदम सजा सकते हो, मतलब तैयार कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यार वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना गाइज, ताकि वो भी इस तरह का शानदार स्टोरी क्रिएट कर सके। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे एक जो पोस्ट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपने फ्रेंड की या फिर किसी भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद साइज़ को इसे कम कर देना है और इसे साइड में रख लेंगे। साइड में रखने के बाद आपको इस सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है तो सिंपली पिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो है आपको कोई भी एक कलर चेंज कर लेना, मतलब आपको जो कलर चाहिए ना वो कलर आपको पेंट वाला आइकन पे क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो कलर है वो चाहिए, तो यहाँ पे आपको प्रेस करके रखना है, ये वाला कलर आ जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन पे चले जाना है, और गाइस यहाँ से ये वाला जो आपको लाइन है वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ओके पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद इसकी जो साइज़ है ना गाइस कुछ इस तरह से रखनी है, और इसको यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। रखने के बाद फिर से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपली पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देना है। और इसको भी है आपको इसकी जैसे साइज़ थी ना गाइज उतनी ही बढ़ा लेनी, और इसको हम जो है गाइज यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे डॉट डॉट देना है, ठीक है। तो मैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, तो इस तरह से आपको एक डॉट देना है, डॉट मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद स्पेस देना है, और आपको यहाँ पे जो है उस बॉर्डर ले लेना है इस तरह से, ठीक है। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से इस तरह से नीचे वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और इस तरह से आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। चार बार आपको यहाँ पर लेना है गाइज, तो स्पेस देते रहिए, स्पेस देते रहिए। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। कलर वाला ऑप्शन पे जाना है, और कलर आपको वाइट सेलेक्ट कर लेना है। वाइट सेलेक्ट करने के बाद साइज़ को थोड़ी बड़ी कर लेंगे, फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो को हम यहाँ पे रख लेंगे, और फ़ोटो देख सकते हो आप यहाँ पे आ गया, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। उसके बाद आपको फिर से फॉन्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसी तरह से आपको यहाँ पे एक स्पेस आपको एक पॉइंट रखना है। रखने के बाद ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस तरह से रखना है, ठीक है। और रखने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा एक और हमें ले लेंगे, दो आपको दो यहाँ पे लेना है स्पेस देके, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर कलर पे जाना है गाइस, कलर आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला कलर हम ले रहे हैं, थोड़ा और चेंज कर देंगे ताकि अलग लगे थोड़ा सा। ये कलर मैं ले रहा हूँ, वो नीचे चला गया गाइस, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर अलग की तरफ ले लेंगे, ठीक है। और ये जो फ़ोटो है उसको हम यहाँ पर रहने देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमने फ़ोटो लिया है साइज़ को बड़ी कर लेनी है, और इसको हम क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स में आपको लगा के रखना है, इस तरह से लगा के रखना ताकि यहाँ पे स्पेस दिखे ना, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे किया है सेम टू सेम आपको वहीं पे करना है जो आपने वहाँ पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, कॉपी कर देंगे, वो यहाँ पर चला जाएगा। फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से पेस्ट कर देना है, बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद कलर पर जाना है, कलर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाला कलर सेलेक्ट किए थे, फिर से ये नीचे चला गया गाइस, तो इसे हम ऊपर ले लेंगे और साइड में ले लेंगे। फ़ोटो को फिर से बड़ा करके इस यहाँ पे रख लेंगे। अभी गाइस इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से सेट करना है इस तरह से। तो अभी भी सेट नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट करना पड़ेगा इस तरह से गाइज, आपको रोटेट करना थोड़ा सा। और जो वीडियो गाइज वो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो फ़ोटो है वो यार नीचे चला गया, फ़ोटो को हम ऊपर लाएंगे, फिर से साइड में रखेंगे, और इसको साइज़ में थोड़ा कम करके मिडल में रखना है। फ़ोटो को लाना है और यहाँ पे रख लेना है, फ़ोटो को आपको तिरछा नहीं करना, एकदम अच्छे से रखना है। फिर आपको फिर से फॉन्ट वाला ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको फॉन्ट देना है, मतलब स्पेस देना है, सॉरी स्पेस नहीं, आपको ये वाला पॉइंट जो होता है ना वो देना है, ठीक है। इस तरह से आपको पॉइंट देते रहना है गाइस,
तो यहाँ पे जो है हम वो यहाँ पे रिमूव कर देते, हम यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम इस तरह से गैप देंगे, ठीक है। गैप देने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको इसकी साइज़ को बड़ी कर लेनी है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने से आपका टाइम गैस बहुत ही वेस्ट नहीं होगा, मतलब टाइम बहुत सेव होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। इसको रोटेट नहीं करना है, इस तरह से रखना है। फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, पेस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, साइज़ को बड़ी कर देना है, कलर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली साइज़ को सेम रखना है, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रख लेंगे, और यहाँ पे जो ब्लैक ऑलरेडी है आपको उसके साथ मैच करना है इसके साथ, ठीक है, इस तरह से। और वो जो एक पॉइंट है वो एक्स्ट्रा दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो यहाँ पे इसमें हाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसको टैग करना है तो आप इसे टैग भी कर सकते हो। टैग करने के लिए मैं कुछ दूसरा फॉन्ट यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा ये वाला फॉन्ट। तो यूज़ करने के बाद इस तरह से साइज़ कम कर देनी है, ठीक है। कम करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर टैग कर देना है। टैग करने के बाद आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है हैप्पी। हैप्पी लिखने के बाद जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट करना है, कलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और इसको हैप्पी को आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। हैप्पी जो है थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे। और अभी जो है वो बचा है बर्थडे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बर्थडे, ठीक है। तो इस तरह से गाइज काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ इस तरह का अच्छा सा स्टोरी एडिट करोगे, वो भी काफ़ी खुश होंगे गाइज। और जो स्टेटस से स्टोरी हमारा है वो काफ़ी अच्छा लुक देगा। सो फाइनली यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टोरी एडिटिंग वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। गाइज यहाँ पे फिर से मैंने एक फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से रोटेट करना है, और फोटो को ऐसे रोटेट करना है वो जो है आपकी स्क्रीन में फिट हो जाए, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से रख लेंगे। रखने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये वाला जो इफेक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले इसका कलर ही गाइस चेंज कर देंगे। तो पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये जो वाइट वाला कलर है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली हम इस तरह से आपको रोटेट करना है, ठीक है। इसकी साइज़ हम कम कर देंगे, और यहाँ पे ये लाइन निकालना है, और इस तरह से आपको यहाँ लाइन निकालना है, ठीक है। वो ऊपर वाला जो लाइन है गाइज वो हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एच लिखना है, और इसे बॉर्डर दे देना है, ठीक है। बॉर्डर देने के बाद हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला फॉन्ट है ये वाला कलर पे जाएंगे, और ब्लू कलर यहाँ पे हम नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्लू कलर है ना, तो ये वाला देंगे। और इसे हम कुछ इस तरह से रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद ए पे क्लिक करना है, यहाँ पे कलर देना है, और इसे हम कलर दे देंगे जो कलर आपको चाहिए वो, और इसे बॉर्डर पे दे देना है। तो वो जो है गाइस नीचे चला गया अभी फिर से, ठीक है। तो हमें फिर से यहाँ पे जो है क्रिएट करना पड़ेगा, उसे हम साइड में लेके ही करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है टेक्स्ट बना लेने, मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, और इस पर यहाँ पर लिखना है एच ए, ठीक है। आपको हर एक जो है अलग अलग फॉन्ट यूज़ करना है। तो फटाफट मैं यहाँ पे हैप्पी भी लिख देता हूँ, और बर्थडे भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। बस एट द रेट करके आपको यहाँ पे जो है टैग करना है अपने फ्रेंड को या फिर किसी को भी, जितना भी आपने स्टेटस बनाया है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ अलग सा ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे राउंड वाला शेप, ठीक है, थोड़ा सा हटके ले लेंगे। और अगर गाइज कलर चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो, ये जो है फिर से पीछे चला गया, हम आगे ले लेंगे, इस तरह से रखना है, ठीक है। थोड़ा और जो है साइज़ को हम कम कर देंगे साइड में लेके, इस तरह से ताकि फ़ोटो का कुछ भी ना हो, इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। और फिर से फ़ोटो को हम यहाँ पे बड़ा रख देंगे। जो हमारा NSB का जो लोगो है गाइस वो यहाँ पे चला गया पीछे, तो उस पर क्लिक करने के लिए इसको आपको आगे की तरफ लेके आना है, और साइड में लिख लीजिए। रखने के बाद क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर रखना है, और इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अभी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है गाइज। फाइनली हम स्टोरी को यहाँ पे एडिट कर देंगे। गाइज जो हमारा तीसरा ट्रिक है उसमें आपको सिंपली पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पे गाइज ये अवेलेबल है, आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपको डिलीट कर लेना है टेक्स्ट, इमेज एंड साइज पर क्लिक करना है, और जो रेशियो है ना गाइज वो 9:16 जो कि फुल स्क्रीन का रेशियो रहता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जिस फोटो को आपको स्टेटस क्रिएट करना है वो फोटो आपको यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं एक फोटो को ऐड कर लेता हूँ। जो फोटो आप स्टेटस क्रिएट करना चाहो ना वो फोटो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो सिंपली से यहाँ पे मैं एक फोटो को ऐड कर लेता हूँ,
जो मुझे फ़ोटो को यहाँ पे स्टेटस बनाना है, ठीक है। तो ये वाला फ़ोटो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। रखने के बाद देख सकते हो आप पूरे का पूरा है जो फ्रेम में फिट हो गया है। फिट होने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शेप्स पे चले जाना है। शेप्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको पूरे के पूरे शेप्स लगा देना है पूरे के पूरे फ़ोटो में। लगाने के बाद ऑपेसिटी को आपको थोड़ा सा कम कर देना है और गाइस इसका जो कलर है ना वो आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो इफेक्ट है वो लग गया। फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, शेप्स पे जाना है। शेप पे जाने के बाद इसकी जो रेडियस है वो थोड़ी सी इस तरह से लगा देनी है आपको, ठीक है। थोड़ी और कम कर देंगे, रेडियस को कम कर देना है। साइज़ अगर आप कम ज़्यादा करना चाहो तो भी कर सकते हो। सिंपली हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे रखना है आपको मिडल में, ठीक है, यहाँ पे रखना एक। उसके बाद कॉपी वाले बटन पे क्लिक करना है और एक यहाँ पे रखेंगे कॉर्नर पे। फिर से कॉपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे रख लेंगे। इस तरह से आपको रखना है। फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, फ्रॉम गैलरी पे जाना है और यहाँ से आपको कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने हैं जो फ़ोटो आपको यहाँ पे रखने हैं। और इसमें आपको शैडो इफेक्ट ऐड कर लेना ताकि अच्छा सा लुक मिले हमारे स्टेटस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक फ़ोटो के यहाँ लगा देंगे। अगर आप इसमें शैडो इफेक्ट ऐड करना चाहो तो भी अच्छी बात है, ठीक है, देख सकते हो कितना अच्छा लुक दे रहा है। अगर शैडो इफेक्ट ऐड करना नहीं चाहो तो मत ऐड कीजिए, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर से फ्रॉम गैलरी पे चले जाना है और यहाँ से एक और फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला फ़ोटो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ को आपको यहाँ पे कम कर देना है और इस फ़ोटो को यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद फ्रॉम गैलरी पे जाना है। फिर से एक फ़ोटो हमारा पेंडिंग है गाइस, वो वाला भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। लास्ट वाला इमेज जो बचा है वो हमारा यहाँ पे, ठीक है, और काफ़ी तगड़ा रहेगा। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीन फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। ऊपर सेव वाले बटन पे क्लिक करके अपने जो फोटो गाइज़ वो एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ से अभी जो आपने फ़ोटो सेव किया था उस फोटो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज़ क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली वर्ड में लिखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है हैप्पी। हैप्पी लिखने के बाद जो फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा इस वो फ़ॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो मुझे फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो ये वाला फ़ॉन्ट है, ये कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे गाइस। कलर मुझे ये वाला पसंद नहीं आया, ब्लैक वाला जो कलर है वो मैं नहीं रखूँगा, कुछ अलग सा रखूँगा इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला मैंने यहाँ पे रख लिया। फ़ॉन्ट मैं फिर से चेंज करूँगा गाइस, ये नहीं चाहिए मुझे, तो ये रख देता हूँ। रखने के बाद क्या करूँगा, साइज़ को यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे फिर से आपको क्या लिखना है, हैप्पी बर्थडे। और वही आपको क्या करना है, कलर चेंज करके इसको बॉर्डर दे देना है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे लिखना है। और ये लिखने के बाद क्या करना, हैप्पी हो गया यहाँ पे और बर्थडे यहाँ पे हो गया। अभी अपने फ्रेंड का नाम या फिर जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रश्मिका। और फिर से आपको इसे बॉर्डर दे देना है, कलर पर जाना है और एक कलर दे देना है, ठीक है, इस तरह से। कलर देने के बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कोई भी कलर ले लेना है और यहाँ पे इस तरह से आपको डॉट लगाना, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट। तो देख सकते हो कितना ज़बरदस्त यार स्टेटस लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिंपली सेव वाले बटन पर क्लिक करके अपने यह फोटो को एक्सपोर्ट कर लेना या फिर आप योर स्टोरी पर क्लिक करके इसे अपने सेवरी जो गैलरी में है यहाँ पे आप इसे स्टोरी भी रख सकते हो, ताकि आपको जो फ्रेंड गाइस बहुत ही खुश होगा ये स्टोरी देख के। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो।